हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने पिछले वाले सीरीज में एक गिल्ड क्रिएट किया था, लेकिन आज के इस सीरीज में इससे आगे के बारे में बात करेंगे। गेमंड, तो ये हमारा गिल्ड था जो कि आपने पहले वाले सीरीज में देखा ही था, पर आप चाहे तो गिल्ड का सारा डिटेल फिर से चेंज कर सकते हैं गिल्ड इन्फो वाले बटन पर क्लिक करके। पर ध्यान रहे, आप गिल्ड आईडी और गिल्ड क्रिएटिंग टाइम यानी डेट को एडिट नहीं कर सकते हैं। तो मैं इस बार नोटिस में ये लिखूंगा, हो सके तो आप भी ये रख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे डाल दूंगा। ऐसा मैंने इसलिए रखा क्योंकि सिर्फ फ्राइडे को ही गिल्ड टूर्नामेंट होता है, और जब हम अपने गिल्ड मेंबर के साथ सीएस रैंक या सीएस क्लासिक खेलते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी डॉग टैग मिलता है। हालांकि डॉग टैग कोई भी मोड खेलने से मिल जाता है, सिर्फ कस्टम और ट्रेनिंग मोड को छोड़कर। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि डॉग टैग से क्या फायदे हैं तो मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। तो अब मैं सेव बटन पर क्लिक करके इसे सेव कर लूंगा। यहाँ पर एक अनाउंसमेंट आइकन या हॉर्न जैसा आइकन आपको दिख रहा होगा, जिस पर आप क्लिक करके हर 20 से 30 सेकंड में वर्ल्ड में गिल्ड इनविटेशन भेज सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर ये टिप्स रहेगा कि अगर आपका एक न्यू गिल्ड है तो आप इसे हर 20 से 30 सेकंड में प्रेस करते रहें। पर ध्यान रहे, इसका भी एक लिमिटेशन होता है, इससे आपके गिल्ड्स में मेंबर्स बढ़ेंगे और एक आपका कम्युनिटी बनेगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं टीम जी आयुष वाले आईडी को टीम गेमिंग वन का लीडर बनाऊंगा, तो जल्दी से मैं एक टीम गेमिंग वन का गिल्ड क्रिएट कर लेता हूं और इसे मैं लीडर बना लेता हूं। अब मैं वापस से अपने आईडी में लॉगिन होता हूं और एक एक कर सारे गिल्ड्स के ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गिल्ड में रहने से क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, आपको डेली गिल्ड लॉगिन रिवार्ड देखने के लिए मिल जाता है। सेकंड, गिल्ड के स्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से इन सभी आइटम्स को परचेज कर सकते हैं गिल्ड सप्लाई कार्ड की मदद से, और गिल्ड सप्लाई कार्ड कैसे मिलता है वो आगे बात करेंगे। थर्ड, अगर आप टीम लॉबी में हैं तो आप टीम लॉबी से बिना बाहर निकले ही आप ड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। और आप चाहें तो ओनली गिल्ड मेंबर के साथ चैट कर सकते हैं गिल्ड चैट ऑप्शन वाले बटन पर क्लिक करके। फिफ्थ, मैक्सिमम लोग गिल्ड इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि वो कस्टम कार्ड क्लेम कर सके, तो आप गिल्ड से कस्टम कार्ड भी क्लेम कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको डॉग टैग जमा करना होगा, और डॉग टैग कब और कैसे मिलता है मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी मैं कोई बात कहने से भूल गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आने वाले सीरीज में इसे मैं कवर कर लूंगा। तो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। You'll be a fan when I start rapping way. I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious. Release bombs and go tick tick. Boom, you blown me that head missing. I'm a phenomenon. Stacking cheese like it's Parmesan. Eight different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn. And I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's drama.